तो इंडिया के घटक दलों की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मणिपुर में विगत 3 महीनों से जारी जातीय हिंसा और महिलाओं के साथ हुए कुकर्म को लेकर रांची स्थित राजभवन के सामने महाधरना आयोजित किया गया। इस मौके पर इंडिया के घटक दल के नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। सैकड़ों की संख्या में तमाम लोग पहुंचे। इस मौके पर कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, सीपीआई, आम आदमी पार्टी, जदयू के नेता मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने एकजुटता दिखाते हुए केंद्र की मोदी सरकार का विरोध किया। मणिपुर की घटना से आहत है। लगातार मणिपुर की जो घटनाएं घटती जा रही है और प्रधानमंत्री चुप हैं। प्रधानमंत्री जी के चुप तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी के जो कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं करने के विरोध में हम लोग आज धरना पर बैठे हैं और ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े, मन की बात छोड़े, मणिपुर की बात कर मणिपुर के लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। उस निमित्त हम लोग इंडिया के बैनर तले सभी लोग धरना पर बैठे। जो मणिपुर की घटना है पूरे देश के लोगों को झकझोर करके रख दिया को शर्मसार कर दिया। हम न्यायपालिका के तरफ से देखते हैं हजारों लोगों का घर उतार दिया गया, सैकड़ों लोग मारे गए, जिंदा जला दिया गया और देश के प्रधानमंत्री सदन में एक शब्द भी अब तक नहीं बोले। कोई आयोजन होता है तो उसको लोग अपना सौभाग्य मानते हैं। एक राजनेता होने के नाते आज इस साक्षात्कार को देने में मैं अपना दुर्भाग्य महसूस कर रहा हूं। अब आपको लगेगा ये चौंकाने वाली बात सौरभ श्रीवास्तव क्यों बोल रहा है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस विषय पर आप यह साक्षात्कार कर रहे हैं वह विषय इतना शर्मनाक है कि उस पर बात करने में एक राजनेता के रूप में मुझे लज्जा आ रही है। आज किस मुद्दे पर साक्षात्कार दे रहे हैं हम कि मणिपुर में हमारे बहनों के साथ जो निर्लज्जता हुई उस पे आज राजनीति के लब्ध प्रतिष्ठित लोग इस जगह पर बैठकर और साक्षात्कार दे रहे हैं। क्या यह सब सभ्य समाज को शोभा देता है? प्रधानमंत्री एक तरफ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है मणिपुर में, उससे सिर्फ देश ही नहीं पूरा दुनिया मर रहा था। सर से सिर झुक जा रहा है लोगों का और इस देश के प्रधानमंत्री ने भी अपना संक्षिप्त संबोधन ये बातें कही है कि आज मेरा सर सर से झुक जा रहा है। राज्यों में इंडिया की तरफ से इंडिया बने नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार की नीतियों और आरएसएस की देश विभाजक नीतियों के खिलाफ इकट्ठा हुए एक विचार के हम सफर यात्रियों का सारे देश में प्रदर्शन, आंदोलन, सड़क पर प्रदर्शन, धरना क्यों? क्योंकि ये सरकार फेल हो, क्यों? कि नरेंद्र मोदी फेल हो गए।